Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. हमेशा ही इतनी खूबसूरत लगती है, हमेशा ही तारीफ करनी पड़ती है. सोच का कुछ और आया होता हूँ, पर आप कसम से आप चाहे तो ट्रेन रोक दें आज. इतनी प्यारी लग रही हैं आप. अर्चना जी, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है और पूरे हिंदुस्तान में एक ही ऐसा आदमी जो सावर में आग लगा सकता है, तो समझ तो आप गए ही हैं. तो चलिए बुलाते हैं उन्हें इस मंच पे. प्लीज वेलकम वेरी वर्सटाइल एंड टैलेंटेड सिंगर माय ब्रो मिका सिंह. जोरदार तालियां. थैंक यू. पाजी, बड़े हैंडसम लग रहे हो कसम से. पता पाजी क्यों मैं हैंडसम लग रहा हूँ? जी, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई. अच्छा पाजी, आज हमारे शो पे है ना, मुझे लग ही नहीं रहा गेस्ट आए हैं, क्योंकि ऊपर से आए ना, वहां पे भी ऊपर से ही आते हैं. हमारी बिल्डिंग में हमेशा ही आते हो. मुझे लगा ऐसे ही बोलने आएंगे, आपकी गाड़ी खड़ी मेरी गाड़ी फंसी हुई निकाल लो. एक्चुअली क्या कि हम दोनों पड़ोसी तो है ही हैं. और कपिल मेरा पराया है और सुपर स्टार है, सबको पता, पूरे इंडिया का नंबर वन अगर स्टार है तो मेरा भाई है. पर जितना मर्जी बड़ा हो जाए, रहेगा मेरे से नीचे ही है. मैं सारी उम्र इसके ऊपर ही रहता रहूंगा, ये मेरे नीचे वाले फ्लोर पे रहेगा. पर अब चक्कर पता क्या है? क्या? अब मैं नीचे भी नहीं, अब मैं इनके बीच में हो गया, क्योंकि ऊपर भी इनका फ्लैट है, नीचे भी ले लिया इन्होंने घर. क्या करे, लॉकडाउन में काम तो चल नहीं रहा कुछ. लॉकडाउन में मुझे लग रहा लॉकडाउन में काम ही आप कर रहे थे. वहाँ मॉडल ढूंढ ढूंढ के लाए, पकड़ पकड़ के कहते आओ भी वीडियो शूट करते हैं. ये तो पाजी, मैं ये आपसे पूछना चाहता था, ये आपका संगीत के प्रति प्रेम है या प्रेम के चक्कर में ही संगीत में जुड़े हुए हैं आप? एक्चुअली क्या था कि दो गाने मैंने शूट करने थे और मेरे प्यारे सॉन्ग थे जो मुझे बहुत पसंद थे शुरू से. आरडीएम साहब का गाना था, बड़े अच्छे लगते हैं. और दूसरा गाना है होटो पे बस तेरा नाम है, जो कि लता जी और कुमार शानू दा ने गाया. तो मैं सोचता था कोई ऐसे गाने गाऊं जो इस दौरान में लोगों को पसंद आए. भाजी, आज अर्चना जी भी जो आपने गाना गाया ना, बड़े अच्छे लगते हैं. हाँ जी, दो लाइनें अर्चना जी के लिए हो जाएं इसी गाने की. मैंने सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी, न्यूज जैसी खत्म होती है उसके बाद ही कपिल शर्मा का शो आ जाता है. तो मैंने इतना एंजॉय करा और इतना मुझे अपने भाई पे प्राउड फील होता है. आई गेस जितने भी हमारे फैंस होंगे, इनके फैंस जो है, जितने भी हिंदुस्तानी शो देखते हैं, कोई भी न्यूज हो, कुछ भी हो, ऑटोमेटिकली जब कपिल पाजी का शो आता है तो दिल बागो बाग हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू पाजी. मेरे को तो लाइव बुला के परफॉर्मेंस करवाते थे ना ये. हमने, आपने देखा नहीं, जिस दिन मोदी जी ने कहा कि सबने आके वो घंटियां बजानी है और थाली बजानी, हमने तो पूरा ऑर्केस्ट्रा किया उस दिन. बिल्कुल. मैं और मीका पाजी दोनों हम लोग ड्रम बजा रहे थे. आइए विराजमान हो जाइए यहाँ पे. थैंक यू पाजी. आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी सेलिब्रिटी किसी भी तरह की कोई पोस्ट डाल दे, नेगेटिव पॉजिटिव आपको पता हर जगह होता है, तो नेगेटिव कमेंट भी बड़े आते हैं. और पाजी की तो फैन फॉलोइंग इतनी है कि इनके फैन ही दूसरे बंदे की बैंड बजा देते हैं. तो पाजी, जो आपको सपोर्ट करते हैं नीचे, उनको पेमेंट वगैरह करते हैं आप? एक्चुअली क्या था कि देखो, प्रसाद तो सबको मिलता है. तेरी ये, तेरी वो, तू ऐसे फलाना, पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग. और क्या इनको गुस्सा रहता है ये भी नहीं समझ आती, कौन सी मैं जीजा बन गया या मैंने बहन मंगा के ले गया इनकी. पर इनको इनको आपको गालियां देनी देनी है. एक्चुअली क्या था, एक एंजॉय कर रहा हूँ, डिवाइन टच है. तीन महीने से हम रोज अर्चना जी 1000 लोगों का खाना गुड़गांव में करते हैं, जब से लॉकडाउन चला है. उसके बाद भी दिखावा दिखावा है, टैक्स बचा रहे टैक्स बचा रहे. मैं क्या यार, मैं दुखी हो गया. मैंने अपने मैनेजर को बोला, मैं क्या यार मेरा स्टाफ कितना है? कहता भाई तेरे फार्म से 50 ने. मैं क्या बाकी कितने ने? कहता कला के 150 बंदा हो जाएगा. मैं कहता क्या करना? मैं क्या बस गालियां देते रहे पर. जो मुझे 5 देना तो उसको 25 देना. वेरी गुड, वेरी गुड. तो मैं इतना संतुष्ट होकर सोता हूँ कि यार. और एक बार सुनाक्षी सुनाई थी, उनको इन्होंने सोशल मीडिया के बारे में कुछ बताया ऐसे कि मेरा एक दोस्त है जो ऐसे, क्योंकि मैं खुद ना कई बार मीका की जगह रामू बन जाता हूँ. अच्छा. या राजकुमार बनके जो मीका को गालियां देता, मैं उसको बहुत गालियां देता. अपनी अपनी फेक आईडी से. इन्होंने ये मेरा जो था, ये पोल मेरी खोल दी. अब मैं राजकुमार बनके ना, मुझे किसी ने गाली दी मीका को, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ तेरी ऐसी की दादी. कहता मुझे चुप है, मुझे पता तू मीका है. पर अर्चना जी देख लो, ये तो इंस्टाग्राम में हाथ डाल के बंदा खींच लेती है.
वो कमेंट कर रहे थे इनको। I wish ऐसा हो सकता। अच्छा जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसको अपने छोटों की जो है बड़ी फिक्र होती है। जैसे अर्चना जी आपकी बड़ी फिक्र करती हैं, बोलती सोशल मीडिया में देखती हूँ कि मीका की बड़ी लड़कियों के साथ फोटोग्राफ्स होते हैं, तो किसी एक को शादी के लिए प्रपोज क्यों नहीं कर देते? हम हैं तो सारे बब्बर शेर, ये भी भाई मेरा शेर है, कृष्णा भी शेर है, पर ये सर्कस के शेर रह गए अभी। जंगल का शेर मैं। ये बहुत कोशिश कर रहा है कि तेरी शादी हो जाए मीका। या देखो हर इंसान इनके जैसा लकी नहीं होता ना कि जिनको इतनी प्यारी वाइफ मिल जाए गिन्नी जैसी। अरे थैंक यू भाई। तो गिन्नी को बोल ढूंढे अपनी जैसी। और मैं चार लड़कियां मिलाई हैं, मैं कहा पाजी आपके लिए लड़की देखी है? उन्होंने देखा, कहता मैंने देखी हुई है पहले। पर एक चीज हो गई है अर्चना जी, जब से लॉकडाउन हुआ ना सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि भाई 50 से ज्यादा लोग शादी में इकट्ठा नहीं हो सकते, इस चक्कर में जो लोग 2 साल बाद करने वाले थे ना वो भी कर रहे हैं। अरे फूफा जी लॉकडाउन ने तो आपको जरूर बुलाते, पर कई लोगों का नुकसान हुआ है। छोटा भी बहुत नुकसान हो रहे हैं, शादियां करो भैया जल्दी जल्दी। हम जैसे लोगों का तो फिर भी चलो यू नो थोड़ा सा बचत की रखी है, सेविंग है, लेकिन हमारे जो बेचारे म्यूजिशियन भाई हैं जो बहुत सारा यू नो बहुत सारे लोगों का काम रुका हुआ है, तो मैं जल्दी प्रार्थना करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी खत्म हो और हम सभी का काम चले। बिल्कुल बिल्कुल भाई। भाजी ऑडियंस के बड़े सारे सवाल थे, ऑडियंस तो यहाँ पे आती नहीं है। मनाली से राकेश जी लिख रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि मीका भाजी हर मौके पे जैसे होली दिवाली ईद क्रिसमस पे आपकी फोटो ऑनलाइन देखने को मिल जाती है, लेकिन राखी पे आपकी कोई भी फोटो नहीं दिखती। राखी पे तो नहीं, राखी के साथ एक बार मेरी फोटो आई थी। हाँ बस मैंने फोटो फिर खिंचवाई नहीं कभी। भाजी बाराबंकी से सुनीता जी लिख रही हैं कि उनका फेवरेट गाना है जुम्मे की रात है, चुम्मे की बात है। कहती हैं कि ये गाना आपसे पहले 30 और सिंगर्स ने ट्राई किया था लेकिन किसी पे फिट नहीं हुआ, तो हम क्या समझें कि चुम्मे की बात सिर्फ आपको सूट करती है कि आपके चुंबक ज्यादा है? एक तो मेरी वेब सीरीज भी मैंने उड़ता थी लिया, जैसे भाई ने एक बार बचपन में लिया था ना, इन्होंने फिरंगी बनाई थी, इनको देख के मैंने कहा यार मैं भी प्रोड्यूसर बन जाऊं। बड़ा मुश्किल काम है प्रोड्यूसर बनना। मतलब अक्षय कुमार पाजी का मुझे फोन आया था, मैं लंदन में ही शूट कर रहा था वेब सीरीज, बोले थे आप क्यों प्रोड्यूसर बन रहे हो? तुझे पता प्रोड्यूसर क्या होता है? कहते क्या? कहते नौकर होता है और वैनिटी के बाहर खड़ा रहता है। तो उस फिल्म में बहुत सारी ऐसी चुंबन के जो दृश्य हैं, तो मैं ये सोच रहा यार ये लोग इतनी बार किसेस करते हैं तो ये पॉपुलर क्यों नहीं होते? और मुझे इतना ज्यादा क्यों मतलब घसीटा जाता है? तो एक्चुअली जो गाना था ना जुम्मे की रात, ये जब मैंने गाया था अर्चना जी, मेरा गला बहुत ख़राब था और क्योंकि सलमान भाई हो गए और ये भूषण कुमार जी हो गए, पूरी जो टीम है साजिद नाड़िया वाला, हिमेश जिम्मे का म्यूज़िक, तो मैं डर के मैं गया यार इनको मैं मना नहीं करूँगा, मैं जाके गाना जरूर गाऊँ। जैसे तैसे करके गाना गा दिया, तो मुझे याद है कि जैसे ही सर ने गाना सुना सलमान भाई ने और साजिद नाड़िया वाले ने, उन्होंने बोला क्या गाना गाया। तो ना हिमेश जिम्मे को पता था कि मेरा गला ख़राब था, तो हमेश भाई मुझे बोलते देखो यार इंसान का टाइम चलता है ना यार। मैंने ये मैं मीका भाई आपसे बोलना चाहता हूँ, जब इंसान का टाइम चलता है ना कुछ भी चलता है। ये उसके बाद सलमान खान ने मुझे रात को डरा दिया। मलेशिया में था, मुझे कॉल आया कि पाजी कैसे हो? मैं कहा ठीक है, ये गाना सुनिए। मैंने गाना गाया, मैंने बोला बहुत अच्छा गाना गाया, वो था हैंगओवर। कहते दूसरा गाना और सुनो, तो मुझे उन्होंने व्हाट्सअप गाना करा ये वाला जुम्मे की रात अपनी आवाज में। अच्छा, तो पहले मैं बहुत तारीफ कर चुका था कि भाजी आप सुर में गाते हो, आप कमाल गाते हो, अब ये है वो है, बोलते अब ये जुम्मे की रात कैसे गाया? अब मैं फंस गया कि मैं कैसे बोलूं, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ अच्छा गाया तो मेरे तो इन्होंने आवाज निकाल देनी है। मैंने बोला भाई आपने अच्छा ट्राई करा। मैं और भाइयों के भाई है, मतलब बहुत फ्रीडम देते जब भी मैं गाना गाता हूँ, and he's a fantastic guy. Paji, ये हरियाणा से सतपाल जी पूछ रहे हैं कि आप जवानी में तो बड़े शरारती हैं ही, क्या बचपन में भी आप ऐसे शरारती थे? क्या कभी स्कूल में मुर्गा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपको? मैं ना बचपन से ही मतलब टैलेंटेड तो बहुत था मैं। मुझे गिटार बड़ी अच्छी आती थी और हारमोनियम कवाली वगैरह गा लेता था और कुछ शब्द गाता था, तो इसलिए मैं स्कूल में बड़ा एक अच्छा बच्चा था कि यार पढ़ाई भले ना करे लेकिन क्योंकि मैं स्कूल को काफ़ी सारे एनुअल फंक्शन पे अवार्ड्स लेके आता था, तो उस वजह से मुझे कभी उन्होंने डांटा नहीं। एक बार मैं गरीब बना था, मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो गरीब क्यों बनता है, कपड़े क्यों फाड़ देते हैं ये। आज तो बाद तो स्कूल नहीं जाना। अच्छा
हाँ तो मैं फिर सिर्फ पांचवी पढ़ाऊ Really? पांचवी फेल क्योंकि जो दिलीप भाई हैं वो छठी फेल हैं तो मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगा जो मेरे भाई की यू नो रिस्पेक्ट को हर्ट करे पर मैं ना मिका पाजी को एक हमेशा बात करता हूँ मैंने कहा पढ़ाई लिखाई सिर्फ किताबों की नहीं होती Yeah. आपने दुनिया को पढ़ा है और आने वाले समय में लोग आपके बारे में पढ़ेंगे यार क्या बात है और बड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे भाई थैंक यू भाई सो प्राउड ऑफ यू नहीं सोशल डिस्टेंसिंग हटा कोई कक्की नहीं और नहीं बुआ सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है हाय नहीं मेरा मिक्कू ये क्या हो रहा है हाय ठंड पैगी पुत ये सोशल डिस्टेंसिंग वाले जब भी पैरी पन्ना दूर होइन और बुत कैसा है तू बस आशीर्वाद तुम्हारा बुत मैं पास नहीं आई क्योंकि मेरा डर लगता है ना बुत मैं इतनी बीमार रही कोई बगल में नहीं आता इसीलिए प्यार अपनी जगह सेफ्टी अपनी जगह हाँ। क्यों भी अर्चना बहन जी हाँ, बिल्कुल आई नहीं मैं पुत कखी पाला कितना डर रहा है बुआ से पुत सच्ची कह रही हूँ बीमार हो जाओ कोई पूछता नहीं है अब तेरे कल फुफड़ का इतना रोमांटिक मूड था मेरी बांह पकड़ी जाए मेरी छींक निकल गई गुस्से से जाके छत पे सो गया बारिश पे आए पुत कितना अच्छा लग रहा है मैंने देखे तेरे इंस्टाग्राम पे कितने वीडियो तू जो लड़कियां ढूंढ ढूंढ के वीडियो बना रहा है ना है? इतना नोटी है ना मेरा मिक्कू 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 क्या होता है मिका सिंह नाम है उनका ओ जा पुत मिका तेरे लिए होगा मेरे लिए तो मेरा मिक्कू है इतना सा होता था अर्चना बहन जी इतना सा ओ तारे बगाता घूमता रहता था बड़ा शरारती था डायपर पहनता था नीचे से ऊपर से चश्मा लगाता था मैं ऐसे ना डायपर के बीच में उंगलियां फंसाता था और करता था डिंक चिका इतना प्यारा लगता था ना एक बार की बात बताती हूँ ये ना कल्ला सड़क पे जा रहा था कितने सारे बच्चों ने इसको घेर लिया इसने दिलेर जी को आवाज दे दी दिलेर जी आए और उन्होंने देखा इतने सारे बंदे उन्होंने कहा लड़ाई छोड़ो बैंड बना लेता हूँ मैं बुआ लॉकडाउन के बाद आई फूफा कैसा है फिर बहुत हैंडसम हो गए वर्कआउट वगैरह करते हैं नहीं नहीं पुत गंदी शक्ल थी मास्क लगाते तो हमें हैंडसम लगते हैं लेकिन एक बात बोलती हूँ अर्चना बहन जी ये मास्क का ना बड़ा फायदा हुआ है बहुत ज्यादा फायदा हुआ है क्यों किसने छींक दिया था तेरे आगे वो नाना पुत वो सब्जी वाले के पैसे देने थे बाहर बैठा था मैंने मास्क लगाया मिकू पुत उसके सामने शरेआम निकली वो पहचान ही नहीं पाया शर्म नहीं आती तुझे सब्जी वाले को लूटती है वो तो पुत अपनी अपनी किस्मत होती है बहुत अजीब लोग होते हैं जो बैठे बैठे सोनी साहब को लूटते हैं क्यों अर्चना लेकिन एक बात है मिकू मास्क से हुए बड़े फायदे हैं क्या मास्क लगा के दो दो बंदों के साथ रिलेशन में आई हूँ मतलब मतलब पुत मैं मास्क लगा के गली में निकली उधर से तेरा फूफा आ रहा था उसने भी मास्क लगाया था उसको पता नहीं चला मैं हूँ उसने प्रपोज किया मैंने भी हाँ कह दी जब अर्चना बहन जी मास्क उतरे ना तो दोनों तरफ बासी दाल फिर क्या बोलते बींगे पंजाबी दाल बचे आलू मटर बचे पनीर बचे हमने परोंठे बना ही लेने होते हैं लेकिन सच्ची कहूँ लॉकडाउन में मेरा मिकू बहुत गोरा चिट्टा हो गया नीली तीर मुकेश के साथ रहता था इस हिसाब से जैसे तेरे बाल तुझे लगता तू तू गिद्ध के साथ बंद थी तू घोंसले देख ले गिद्ध गिद्ध के घोंसले देख ले देख ले अपने दोस्त का भी घोंसला देख हाँ उसका भी घोंसला बसा दे घोंसला बसाना क्या होता है घोंसला बसाना मैं बताती हूँ घोंसला बसाना जब एक हैंडसम चिड़ा ऐसे ऐनक डाले जिसके ऐसे तिल हो यहाँ पर वो जाए दाना चुगे इधर उधर जाए ढिंक चिका करे फिर जब उसको चिड़ी मिल जाए फिर वो दाना चुगने जाए लेकिन सीधा घर आके फिर मौज जाए ये करे इसको कहते हैं आया बड़ा है लेकिन एक बात बोलूं ये बहुत हो गया है फिल्मों के पीछे बैकग्राउंड गाना गाना मजा तो बहुत असली अपनी सिंगल एल्बम में ही है क्यों है हुआ तू टेंशन ले वो अपने आप देख लेंगे लेकिन इस बार मिकू मैंने तेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढी है ओए होए होए कढ़ाई पनीर से लेके कढ़ाई वाला मास्क ऐसा बनाती है और जो सिचुएशन चल रही है ना अब उत बिना होठों को छुए ऐसी पप्पी ले जाएगी ना तेरे को पता भी नहीं चलेगा बुआ तू फिक्र ना कर उनकी शादी की दिलेर पाजी बैठे ना वो सोच लेंगे अपने आप अरे वो सोचेंगे तब ना अगर उनको मेरे से सोचने से फुर्कत मिले तो मेरे बारे में सोचते रहते मतलब
मतलब क्या मुंह गलाई जा रहा, मैं नहीं बताना। मीका पुत्र तू ही बता दे कि दिलेर जी शेरवानी पहन के क्यों घूमते रहते थे? क्यों घूमते हैं? क्योंकि वो चाहते थे कम्मो कब हाँ बोले और घोड़ी पे चढ़ के आ जाए। शेरवानी हाँ घोड़ी पे। झूठ बोल रही, दिलेर जी को जानती है तू? अरे दिलेर तो वो अबू है, मैं तब से जानती हूँ जब सिर्फ मेहंदी थे। फिर क्या, उन्होंने मुझे देखा मेहंदी चढ़ गई। फिर हुआ, तुझे पता ना उनकी शादी हो चुकी है। ऐसे नहीं क्या हुआ, शादी हो गई तो दिल्ली में आज भी ऑड इवेंट करवा चल रहा है अभी भी। मीकू दिलेर जी को एक मैसेज दे देना बुद्ध। दोस्तों उनको कहना कम्मो आज भी गर्म पानी के गरारे करती है। मतलब मतलब क्या उनको बुद्ध, तू कहना वो समझ जाएंगे। मतलब मैं जरूर कहता हूं। हुआ तेरा ज्यादा हो रहा है अब। वो तो ज्यादा तो तब होता है अगर मैं मीकू की भाभी बनती तो। फिर इतने ज्यादा होते ना, इतने ज्यादा कि गिनते रहते तुनक 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 ता ना ना ऐसे होते। दिलेर जी सुन रहे हो आप, बस मेहंदी गीली करके रखना, कभी भी आगे लगा सकते हो। हुआ मेरी जब भी मूड आ गया जाती है अंदर। हाँ हाँ। ऐसा तो भाजी आपके साथ भी मैंने देखा, बड़ी बार होता है। एक्चुअली पहले इनके साथ हुआ था भाई। हाँ। दसो दो मिनट। एक आदमी आया। हाँ। तो बाहर आके बैठ गया। हाँ। तो गिनी कहते आपने किसी को बुलाया था? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं किसी को बुलाया। हाँ। तो मैं सो रहा हूँ ना, मैं उठा, मैं कौन आ गया सुबह सुबह, है ना 11:30 बजे का टाइम था। तो गिनी बोलती आप, कहते हैं कपिल जी से मिलना है, कहते आपने फोन किया था अपॉइंटमेंट? कहता नो। कहती फिर कैसे? कहता माई लक। मतलब लक मतलब कैसे? तो एक्चुअली कोई और आ रहा था हमारे घर में कोई सामान वामान देने, तो उनको लगा गार्ड को भी ये भी साथ में, वो भी ऊपर आ गया। खैर इनके तो कोई जानता नहीं था, मेरे जानने वाले थे बस। आ गए घर पे, मैं क्या किस तरह आए? कहना सरप्राइज। सरप्राइज पहले मुझे इसी बात पे बड़ा गुस्सा आ गया, ये सरप्राइज कौन सा सारा सरप्राइज हो गया। मैं भी पूछी जावा फिर तुम शाम नहीं जाना तुम? मैं पहले पक्का कर दे कब जाएंगे। मैं कहता तुझे दोपहर की रोटी खा के जाना बस। कहता नहीं शाम तक है। मैं फिर शाम ने डिनर करके आप पक्का, डिनर तो पहले नहीं जान दूंगा। कहता भाजी असं 3 दिन इतने आ गए। मैं टेंशन में आ गया। तो मैंने एक लड़का था मेरा, उसको मिमिक्री की बड़ी आदत थी। उसको लड़की की आवाज़ निकालनी बड़ी अच्छी लगती थी। और जैसे ही आए मैं कहा भाजी है मुंडा संजय है, ये कप्तान ते है रोमी। नमस्ते। अब उनको पता है ना, पहली बार मैं उसे देखा कि यार लड़का अच्छा मूछों वाला है, तो साला ये आवाज कैसे निकाल रहा है। हाँ। अंदर पाजी है मैं संजय हूँ संजय। आप क्या लेंगे? चाय पीएंगे? हाँ चाय ले लांगे। चीनी कितनी डालूं? ओ प्रावा इनू कहो भाजी यार। अब ना वो चाय बना के लाया। कैसी लगी चाय? अब इस बात को ना 3 घंटे हो गए हैं। अब उनको लग रहा था कि एक बार बंदा बन जाए बस, एक बार बंदे की आवाज में बोले। हाँ। वो फिर कैसी लगी चाय? बहुत बढ़िया चाय है। और बनाऊं? और नहीं प्रावा। शाम को रोटी क्या खाएंगे बताइए? जो मर्जी बना ली यार। भाई ने कहा यार, मैं कहा यार तो सच्ची आवाज ऐसी बेचारे की यार, तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। हाँ। कहा झूठ नहीं बोले। मैं कहा नहीं। अब 6 घंटे हो गए और जब वो सोने का टाइम आया तो फिर मैंने उसको बोला कि यार तू ना बस लंबे लंबे साउंड निकाल पूरी, जैसे हम फाट करते हैं रात को। पता नहीं कैसे करो, तो ऐसे पीठ ऐसे करो। उसको पता नहीं क्या करता था वो। जब 100-200 हो गए ना तो उठ के भाग के बाहर, बाहर जाके ना लिफ्ट के बाहर ही बैठ गए। जैसे मैं आया, प्रावा सानू माफ कर दे, सानू जान दे, इतनी बेइज्जती साडी कदे नहीं हुई। अब वो ये देख रहे होंगे मुझे बहुत मारेंगे तो। अच्छा अर्चना जी, जब भी लोग मुंबई में आते हैं, कोई भी अपने सपने लेके आता है, पहले वो स्ट्रगल करता है और फिर उसके सपने पूरे होते हैं, फिर वो घर लेता है, फिर गाड़ी लेता है। इन्होंने उल्टा किया। हाँ। पर ये कैसे, मतलब आपने सोच कर रखा था मैंने सारा उल्टा ही करना है? उल्टा नहीं करना, एक्चुअली क्या था अर्चना जी, इतने पैसे थे नहीं कि मैं कोई बड़ा फ्लैट ले लूँ। ओह। तो मैंने कहा मैं मुंबई को दिखाऊँ कैसे कि मैं अमीर भी अमीर था नहीं। तो मैंने महंगी गाड़ी मेरी थी, मैं यहाँ लेके वही घूमता रहूंगा। अच्छा। मेरा फ्लैट तो किसी ने देखना नहीं, क्या रहता कहाँ पे है। तो वो मैं लेके घूमता रहा। तो एक दिन संजय गुप्ता जी मुझे मिल गए, उनको लगा ये बहुत बड़ा सिंगर पॉप सिंगर, उन्होंने मुझे गणपत गाना दे दिया। तो जो भी मैंने सोचा ना वो मेरा काम आया। मैं कहा या तो मैं 4-4 लाख की ऐड दूँ या अपनी गाड़ी लेके घूमता रहूँगा रोड पे कि मैं अवेलेबल हूँ, मेरे से गाना गवाओ, मेरे से गाना गवाओ। भाजी कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं स्टार्स के बारे में, तो आपके बारे में तो कुछ ज़्यादा ही उड़ती हैं।
तो ये अफवाह ये है कि आपको ना बचपन में डाकू डाकू खेलने का बड़ा शौक था, इसलिए आपने अपने फार्म हाउस पे बहुत सारे घोड़े रखे हैं, ताकि वो गेस्ट आए तो उसको आप चाय पानी पिला के बोलते हो घोड़े बैठो डाकू डाकू खेलो। मेरा फेवरेट गब्बर सिंह ये है, अमजद खान जो शोले में थे, तो जो मेरा फार्म है पूरा उसका जो पूरा आपको रामगढ़ी नजर आएगा, लगेगा वाकई आप गब्बर के घर पे जा रहे हो। अच्छा, पूरी वैसी पहाड़ी है, उसी कलर के घोड़े हैं जो गब्बर सिंह के पास थे। ये जानबूझ के करा है? नहीं, बचपन से मैंने ड्रीम सोचा था, लेकिन आज आपने सुन लिया यार। खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान। एक अफवाह ये भी कि बाजी आपको रिमिक्स का बड़ा शौक है, कई बार गर्लफ्रेंड जो है रिमिक्स हो जाती है, मतलब जाना किसी और के साथ है, फोन किसी और को कर देते हो, इस वजह से एक आध से तो ब्रेकअप भी हो गया। ओए होए होए, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी मेरा ब्रेकअप होता नहीं है, क्योंकि मेरी कभी सीरियस दोस्ती नहीं होती। कभी नहीं होती सीरियस? दोस्ती होती है, सीरियस वाला अफेयर के चक्कर में डर जाता हूँ कभी। ओहो, अच्छा। हाँ, मतलब इनकी तो एज हो रही थी, इसलिए शादी करनी बहुत जरूरी थी। मैं तो भी नन्ना सा प्यारा सा बच्चा बहुत नन्ना सा। अच्छा वाह, ये उससे जुड़ी हुई है कि जिससे ब्रेकअप होता है आप उसको बोलते हैं कि शादी तो चाहे जहाँ मर्जी कर लो, लेकिन शादी का शो जो है मुझे देना। ये अच्छा, ये सच होगी अफवाह है? मेरी लाइफ में सिर्फ 3 गर्लफ्रेंड ही रही हैं। अच्छा, एक साथ नहीं रही हैं, मतलब दो दो साल गैप करके, तो एक ही शादी थी, तो बेचारी बड़ी रोई पहले, तो ये है मेरे घर वाले नहीं मान रहे, क्योंकि मैं शुरू से ही शरीफ लगता था आपको पता ही है, तो घर वाले मनाना बड़ा मुश्किल बात होती। तो मैं क्या बता, लास्ट बेचारी बोलती यार प्लीज मेरी शादी पे आना और डीजे बुक करा देना। अच्छा, और मैंने डीजे बुक कराया और उसके और मैं वहाँ डांस कर रहा हूँ, लेकिन जो उसका हस्बैंड था उसको लगा बेचारा ये कजन वजन होगा, वो भी ऐसे पकड़े मिक्का भाजी हम आपके फैन है और मैं भी जरा डांस कर रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड की शादी पे, तो ये लास्ट था बस, उसके बाद कभी फिर मैंने सोचा नहीं। पाजी अभी यहाँ पे दर्शक तो आ नहीं सकते जी, लेकिन आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपके साथ बातें भी करना चाहते हैं, अपने कुछ किस्से भी शेयर करना चाहते हैं, तो देखते हैं हमारे साथ इस समय ऑनलाइन कौन जुड़ रहा है। जी सबसे पहले कॉलर कौन आ रहे हैं? ओह माय गॉड, सो मेनी। हेलो, वाह वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका, इतने तो हमारे नहीं लोग जितने बैठे हैं आप, मतलब मुझे लगता है मैं अगर आपके नाम भी पूछना शुरू करूं तो अगला एपिसोड शुरू हो जाएगा। तो नाम नहीं मैं पूछता, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, कैसे हैं आप लोग? सर मेरा नाम ईशा शर्मा है। अच्छा जी, नाम मंडी बजट से बात कर रही हूँ, ये तो मेरी फैमिली मेंबर थे, हम लोग फ्रेंड फैमिली थे, जीवन के फैमिली थे। तो ईशा आपको हम सब दिख रहे हैं यहाँ पे? क्या सर दिख रहे? अर्चना जी दिख रही हैं? क्या सर दिख रही है? मिका सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आपको दिख रहे हैं अभी? ईशा गवर्नमेंट पता क्या बोल रही है? गवर्नमेंट बोल रही है बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। आपके परिवार को माशाल्लाह देख के दिल कर रहा है कि आप तो बाहर निकलो। आप एक ही घर में रहते हैं सब लोग? तो आप गवर्नमेंट से एक और थोड़ा सा बड़ा प्लाट लेके अपना जिला बना लो पूरा पूरा। आज हम लोग मिका पाजी से कुछ म्यूजिक की बातें हो रही हैं और वो अपने किस्से शेयर कर रहे थे। आपका भी कोई फनी किस्सा है? आप मेरी लाइफ में भी मतलब वैसे तो बहुत सारे किस्से होते रहते हैं, पर आज मैं सिंगिंग से रिलेटेड एक किस्सा आपसे शेयर करूंगी कि मतलब जैसे आपने मेरी आवाज देखी रखी होगी, कितनी भारी आवाज है, कितनी भारी आवाज लग रही है, मतलब जैसे माइक मेरे आवाज के सामने आता है मेरी आवाज उसी टाइम बैठ जाती है। मतलब एक बार क्या हुआ, गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम था। अच्छा, और सिंगिंग उस दिन मैंने सोचा मेरे को बस कोई भी कहीं से भी उठाकर मेरे को कोई गाने के लिए खड़ा कर दे, मेरा नाम क्यों लिया?
शायद इनको मेरा कुछ ना कुछ तो पसंद आया होगा, कभी मेरा नाम लिया, नाम एक्चुअली लेना चाहते का था और मेरा नाम ले दिया उन्होंने, और जैसी गई अच्छा ईशा आप सबसे इंट्रोड्यूस करवाएं कि कौन कौन है आपकी फैमिली में? पापा, मम्मी, सिस्टर, ब्रदर, चाचा, 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 चाची, 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 चाची का बेटा, चाची का बेटी, चाची का बेटा, चाची का बेटी, चाची का बेटा, चाची का बेटा। क्या बात है, बहुत बढ़िया इंट्रोड्यूस किया भैया। जा 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 जा। बहुत अच्छा लग रहा है आपका हैप्पी फैमिली देख के, मतलब आप इतने लोग घर पे रह रहे हैं, इतने सारे आपके चाचा हैं, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ आपके दादाजी को भाई। बड़ा मजा आया ईशा आप सब लोगों से मिलके, और जब ये सब सही हो जाएगा तो आप हमारे मुंबई स्टूडियो में भी आइएगा। हाँ जी, जी क्या बात, और शक्ल भी सेम लग रही है। थैंक यू सो मच, पूरी शर्मा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ऑनलाइन बनने के लिए, थैंक यू, शुक्रिया। क्या बात, चाचा 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 भाई, चाचा का बेटा, चाचा की बेटी। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी हेलो, हाय सर, पहली बार भाई जिंदरो मैं कह रहा भाई, कह रहे हैं भाजी को दो मेरे दो महाराज, कहां से बोल रहे हो आप? की नाम दादा? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं, मेरा नाम पाजी कुणाल गोस्वामी है। कुणाल गोस्वामी दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुणाल। तो ये कहां बैठे हुए हैं आप इस समय? स्टूडियो में, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। अच्छा वाह, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे, तो म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं आप? पाजी छोटा सा स्टूडियो भी रिकॉर्ड, मैंने एक्चुअली लॉकडाउन में खोला था, पहले नवरात्रे से ओपनिंग करनी थी, लेकिन माता रानी इतना बड़ा इम्तिहान ले रही है, क्या बोले। कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता ना कर तू, बस माता रानी दे विश्वास रख, सब होएगा। देखो इन्हों का काम चल पे ना, अर्चना का, कपिल का, साडा भी टाइम आएगा। तो क्यों, प्रॉब्लम क्या हुई, मतलब अभी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हो रही होगी ना? एक्चुअली चाचा जी के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत काम तो दे देते हैं वो। चाचा जी कौन आपके? म्यूजिक डायरेक्टर है कुलदीप संधू जी, दिल्ली से ही। अच्छा हैं। जी, अच्छा जी, तो आप क्या करते हैं, आप रिकॉर्डिस्ट हैं कि आप भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं? भाई थोड़ा थोड़ा सारा काम कर लेता हूँ, उनके आशीर्वाद से लिख भी लेता हूँ, मिक्सिंग मास्टरिंग भी कर लेता हूँ। तो कोई एक काम क्यों नहीं करते टिक्के? अच्छा तो फिर आज हम लोग एक्चुअली मीका पाजी से, बहुत सारे पाजी ने जो इंटरेस्टिंग फनी किस्से सुनाए, आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा है कोई मजेदार? पाजी दिल्ली का तो आपको पता ही है, यहाँ पे छोटे मोटे गाने बनाने वाले बहुत होते हैं और बजट बड़ा छोटा होता है उनका। अच्छा, अब होता ही है म्यूजिक डायरेक्टर के साथ एक चक्कर पड़ जाता है, क्या पड़ता है कि मान लीजिए जैसे सिंगर है, गाना पूरा हो गया, पीछे कोरस होनी है, तो कोरस में क्या होता है, फीमेल कोरस से गाना और भराव आ जाता है। अच्छा, और जो मेल कोरस था उसके पैसे कम होते हैं, फीमेल कोरस के ज्यादा होते हैं। ये नहीं पता था यार, अब वहां ना चले जाना। हाँ फिर, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर ने एक तरीका निकाला, उन्होंने क्या करा कि मेल सिंगर जो आते हैं ना, उनको बोला कि भैया आप एक बार फीमेल सिंगर की आवाज में गाओ। अच्छा, अच्छा। उनसे गाया नहीं गया। अच्छा। मेरा छोटा भाई और चाचा, तो मेरा छोटे भाई का नाम है लव, टीजे संधू वैसे उसका नाम है। अच्छा अच्छा, तो हम दोनों को लगाया, काके तुसी शुरू हो, हम शुरू हुए पाजी। उसके बाद क्या हुआ, अभी एक हाल फिलहाल का बता रहा हूँ मैं, एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके अंदर गाना गया और वहां से पता है क्या रिकमेंडेशन आती है, पाजी आपकी फीमेल कोरोसर ने बहुत अच्छा गाया। पाजी आपको पता ही है आजकल टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, इसकी पिच सूदिंग वगैरह करके एकदम बैकग्राउंड में वोकल चला जाता है और 5-6 अलग अलग ट्रैक हो जाते हैं ना, बड़े बड़े डायरेक्टर तो कहते हैं पाजी ये फीमेल ने बड़ा अच्छा गाया। थैंक यू ब्रो, थैंक यू ऑल। कुछ की बात कहना चाहूंगा जी कपिल भाई, आपको कह रहा हूँ मैंने आपको तबला बजाते भी देखा है, ड्रम बजाते भी देखा, चलो ठीक है मिक्का पाजी तो सब कुछ बजा लेते हैं, गिटार भी बजा लेते हैं, ड्रम भी बजाते हैं, लेकिन पाजी आपको मैंने बहुत बढ़िया बजाते हो आप तबला भी। इनका पता है, इनको बनना सिंगर ही था बेटा, नहीं बन पाए वो, और जब भी मेरे घर पे आते हैं मुझे इतना ये शर्मिंदा करते हैं गागा के मेरे आके ना, जान बुझ के इतनी गजलें सुनाएंगे गुलाम अली साहब के, मुझे पता अभी तक गाना आता है, तो अपनी कॉमेडी पे ध्यान दे।
कुणाल, मैं और मिका पाजी कभी दिल्ली आए ना, आपसे जरूर मिलने आएंगे यार, आपके स्टूडियो में आएंगे, ठीक है? पाजी, मोस्ट वेलकम. थैंक यू ब्रो, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. थैंक यू ब्रो. थैंक यू. अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है. हेलो सर. हाय कपिल. हेलो मैम, वेलकम. कहाँ से बोल रहे हैं आप? शिमला से बोल रहे हैं. ओए होए, शिमला के नाम पे तालियां. शिमला माय फेवरेट. हिमाचल तो मुझे इतना अच्छा लगता है और हिमाचल से आप बोल रहे हैं, वाह. कैसा मौसम है? मौसम तो मॉनसून है, तो थोड़ा सल्ट्री है, थोड़ा ह्यूमिडिटी है, पर वी रियली टेरिबली मिस्ड यू कपिल. थैंक यू मैम. अभी बस शुरू हो गया है, बस आप लोगों की दुआओं से हो गया. जी जी जी. बच्चे आपके दोनों क्या करते हैं? ये मेरे नेबर्स के बच्चे हैं. हेलो. ये है अनिरुद्ध और ये उसकी बहन है, सगी बहन. हेलो कपिल, आई हैव टू शेयर दिस थिंग विद यू. मेरे शिमला में एक बड़े अच्छे दोस्त है, उनके मुंबई में कनेक्शंस है. अच्छा जी. तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि जिस दिन आप रिटायर होंगी ना मैम, मैं आपको मुंबई लेके जाऊंगा और कपिल शर्मा से मिलवाऊंगा. हाउ स्वीट. और कैसे मैं बड़े दिन से, मैं तो तुम्हारी बेटा बहुत बड़ी फैन हूँ. थैंक यू मैम, थैंक यू. मुझे जरूर मिलवाना और जैसे ही मैं रिटायर. और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं शिमला आ रहा हूँ अक्टूबर में. प्लीज डू कम. हाँ, ये सोनी लिव का ही एक वेब सीरीज है और हम लोग शूट करने आ रहे हैं, मैं वहां पर रहूंगा. फिर इतना आप देखोगे ना, बोरी हो जाओगे मुझे. वी विल नेवर गेट बोर. तुमसे तो हम कभी बोर हो ही नहीं सकते. मैं डेफिनेटली आपसे मिलूंगा मैम शिमला में. तुम एक जीनियस हो. थैंक यू मैम, थैंक यू. बस क्या बात. शुक्रिया, शुक्रिया मैम. हमने ऐसा कोई नहीं देखा, इतने बढ़िया कलाकार हो कि हमें तुम पे गर्व है कि तुम इंडिया से. थैंक यू मैम, थैंक यू. शुक्रिया, शुक्रिया आपके प्यार के लिए, आशीर्वाद के लिए. बस ऐसे ही बनाए रखिए. हमेशा आशीर्वाद तो हमेशा पहले दिन से तुम्हारे साथ है. थैंक यू मैम, थैंक यू. सो स्वीट ऑफ यू मैम. आज ना हम लोग, मेकअप आ जाइए हमारे साथ, और आज हम लोग अपने म्यूजिक के किस्से विषय, फनी किस्से शेयर कर रहे थे. तो आपके साथ भी कोई ऐसा किस्सा है जुड़ा हुआ, कोई फनी किस्सा जरूर शेयर करें. बिल्कुल जी. मिका, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं, मेरे लेट हस्बैंड मुझे डेट कर रहे थे, पहले वो मेरे बॉयफ्रेंड थे. तो उस जमाने के गाने, हमारे टाइम के जमाने, उन्होंने मेरे लिए गाना बजाया था, चुरा लिया है तुमने जो दिल को. अच्छा जी. नजर नहीं चुराना सनम. तो उसपे हम उनपे फिदा हो गए थे. फिर वो चले गए कुछ बहुत बुजुर्ग होने लगे. अब फिर तुमने एक गाना गाया, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार. इस जेनरेशन की बुजुर्गों के दिल में गिटार बजा दी मिका तुमने. हम बूढ़े नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि तुमने ऐसा सुरीला गाते हो, तुम बड़े मेलोडियस हो, क्या बढ़िया गाते हो मिका तुम. हमें तुम पे नाज है. थैंक यू जी, थैंक यू. कितना प्यारा बोलती है मैम आप बहुत अच्छा बोलती है, पता है. थैंक यू कपिल, तुमसे तो अच्छा कोई नहीं बोल सकता. मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे, शिमला में कोई अच्छी लड़की मिका पाजी के लिए कोई मिले तो जरूर बताइएगा. मैं आजकल रिटायर हूँ, मेरा यही काम है कि मैं अपने बच्चों की शादियां कराऊं. बस अब तो हो गई तेरी शादी. नहीं बिल्कुल यार, मैं जब आऊंगा मैं इनको भी लेके आऊंगा जरूर. हाँ, लेके आना कपिल, तुम लेके आना. मैम आपसे बातें करके बड़ा मजा आया. आप बड़ा प्यारा बोलती हैं और आप अपना ध्यान रखें इस समय जो माहौल चल रहा है. और हाँ जी, मेरा प्रॉमिस है मैं आपसे शिमला में आके मिलता हूँ जल्दी. जरूर मिलिएगा. सी यू सून, बाय बाय. थैंक यू सो. एक सेकंड. हाँ, आराम से टाइम लो आप, आराम से. अनमोल कैसी हैं आप? आप लोगों ने रिहर्सल करके रखी कि तीनों ने एक साथ ही हाय बोलना है. अनमोल सबसे पहले आपका तो हमें नाम पता है, बिकॉज हमें पहले इंफॉर्मेशन मिल गया था. आपके साथ कौन है? कपिल, ये मेरी मॉम है. हेलो. और ये मेरा भाई है. हेलो. तो कहाँ से बोल रहे हैं अनमोल आप? हम लोग मुंबई से बोल रहे हैं. तो फोन क्यों कर रहे हो, इधर ही आ जाते. सर हम तो लिटरली वेट कर रहे थे कि हम कब आपके पास आएंगे, हम आपसे बात करेंगे. आपने हमें मौका दिया. मेरा तो वो एक बात होती है ना, जैसे कि एक सुबह का सपना होता है.
तो मुझे एक बार ना ऐसे सपना आया अच्छा कि जो सीट पे अर्चना मैम बैठी है ना, हाँ। जो उन्होंने सिद्धू पाजी से ले लिया, उस सीट पे मैं बैठी हूँ और मैं आपका शो देखती हूँ। अभी अर्चना जी रात को मास्क लगा के आएंगी, आपको सोते उठा के ले जाएंगी। आपको पता नहीं है इनका, ये अभी तो हंस रही हैं, आपको बताएंगी ये। अर्चना मैम बहुत अच्छा कर रही हैं, अर्चना मैम आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत प्यारे लगते हैं, यू आर सो गुड मैम, थैंक यू सो मच। क्या बात है, आपका ड्रेसिंग सेंस तो ओह माय गॉड बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस। ये तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, अर्चना मैम बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत है, आई लव यू अर्चना मैम। तो फिर कैसे चल रहा है लॉकडाउन आपका? हमारा लॉकडाउन अच्छा ही चल रहा था, पूरे लॉकडाउन में हमने आपके एपिसोड्स देखे हैं सर, नए एपिसोड्स नहीं आ पा रहे थे बट हम आपके पुराने एपिसोड्स ही रिपीट कर करके देखते थे और वो इतना अच्छा लगता था हमको। सोनी टीवी रिपीट टेलीकास्ट का तो कोई पैसे आए नहीं, पैसे दो उसके रिपीट में भी मजा आता है। और कौन कौन है आपके घर में? सर मेरे घर पे मेरे डैड है, मेरी मॉम, मेरा भाई एंड मैं, हम लोग ही रहते हैं। और डैड कहाँ है आपके इस समय? वो उनकी एक्चुअली थोड़ी अर्जेंट मीटिंग थी तो मीटिंग ले रहे हैं। मीटिंग मीटिंग कोई नहीं, किचन से बुलाओ उनको। अनमोल इस समय हमारे साथ मिका पाजी हैं, आप देख पा रही उनको? हाय सर, कैसे हैं आप? ठीक हो अनमोल जी? सर बहुत, सर सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ एंड कोइंसिडेंटली आपका ही वॉलपेपर मेरे मोबाइल पे लगा हुआ है। ओए पाजी क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू यार। क्या नाम भाई आपका? जी मैं सारंग, सारंग त्रिपाठी। कौन सा गाना पसंद है आपको मेरा? कोई भी गाना, सबसे बेस्ट तो आपको आँख मारे वाला लगता है, आँख मारे जो आपने गाया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ा मजा आया और गॉड ब्लेस यू, सी यू सून। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी। अच्छा जी, क्या क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सर जैसे कि अभी मैं ना फाइनल सीए की स्टूडेंट हूँ। फाइनल सीए, ओके। यस, तो सर जैसे आप जो भी यहाँ पे आता है उनसे आप एक क्वेश्चन पूछते हैं, आज वो मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ जी सर, आपने इस साल कितना टैक्स पे किया? इस साल तो सारा ही टैक्स ही पे किया, इस साल तो आया ही कुछ नहीं। सर नहीं, ऐसा हो सकता है ना कि आपको मेरी जरूरत पड़े तो मतलब मुझे पहले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या बात, क्या बात है, अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और क्लाइंट ढूंढने शुरू कर दिए। ऑल द बेस्ट आपको, आप अपनी पढ़ाई फिनिश करें और उसके बाद बहुत कामयाब सीए बने। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ब्रो। नेक्स्ट। हेलो कपिल सर। हेलो सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर माय सेल्फ डॉक्टर गोविंद बताने। इससे पहले कि आप कुछ बोले हम आपको सैल्यूट करना चाहते हैं सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, जो काम आप लोग इस समय कर रहे हैं सर, मतलब मैं इस बात से पाजी भी सहमत होंगे, अर्चना जी भी, हम सब की इस समय सच में जैसे कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है और इस समय आप हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, आप सबको हमारा सल्यूट और दिल से दुआ है कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मतलब अभी मुलाकात हो रही है, ये एक हमारा बहुत दिनों से ड्रीम था कि आपके शो में लाना चाहते थे हम लोग। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमें भी बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। कपिल सर बहुत अच्छा लगा कि आप हम डॉक्टर्स के लिए आज हमसे जुड़ रहे हैं और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं जी कि बहुत सारे लोग जो कोरोना से अच्छे हो रहे हैं जी, ये अच्छे हो रहे हैं क्योंकि वह पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है जी, और हम यही चाहते हैं कि सभी लोगों ने सकारात्मक सोच रखना चाहिए जी। हम सभी डॉक्टर्स, हम सभी हेल्थ केयर वर्कर्स आज अपने देश में, अपने देशवासियों के लिए अच्छी सेहत के लिए काम कर रहे हैं और ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल, ये अंधेरा समय है, एक उजाला आने वाला है। क्या बात, बिल्कुल। हमें आपके माध्यम से ये कहना है कि जिस तरह आप हंसी को हर घर में लेकर जाते हैं, हम डॉक्टर्स उस हंसी को सवार के रखना चाहते हैं। वाह, थैंक यू। एक अपील है सभी से कि हम डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स पर अपनी नाराजगी ना निकालें। क्या? हम आपकी सेवा के लिए हैं और हमेशा करते रहेंगे,
यही संदेश हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं। सर हमें बहुत गर्व है आप लोगों पर, और वो छोटे मोटे किस्से, नाराजगियां, ये सब चलता रहता है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके इस समय कितना प्रेशर है, किस प्रेशर में आप काम कर रहे हैं, और आपके भी परिवार हैं। तो हम तो ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करते रहें, और आप भी स्वस्थ रहें, आपके परिवार स्वस्थ रहें। और बाकी एक बात कहना चाहूंगा सर, बड़े छोटे छोटे डॉक्टर भी रखे हुए हैं आपने इतनी जल्दी मतलब कैसे डॉक्टर बन गए? सर वो सिर्फ हाइट से छोटे हैं, लेकिन काम में बहुत बड़े हैं। नहीं, एज में भी बहुत छोटे लग रहे हैं, जैसे आपके बगल में जो मोहतरमा बैठी हुई है, पीछे भाई साहब खड़े हैं, वो एक वो जो सबसे लंबे हैं, वो सच में लंबे हैं कि किसी चीज पे खड़ा किया उनको? बाप रे बाप, आप इतने लंबे हो गए, किसी ने रोका नहीं आपको? सर आज लोग हमें हमेशा बोलते हैं कि आप लोगों को एंटरटेन करते हो, लेकिन आज जितना मजा हमें आपको एंटरटेन करने में आया, इतना शायद कभी नहीं आया। कपिल सर एक चीज कहना है आपसे। जी सर जी। आज आपके शो पर किस मिस है? मैं आपको नरेशन देना चाहता हूँ। जी। किस मींस के आई एस एस। ओके। कपिल सिंपली सुपर। ओह वाओ। मिस इज मीका इज सिंपली सुपर। और किशमिश के किशमिश एक ड्राई फ्रूट है जिसमें रस होता है, स्वाद होता है और एनर्जी होती है, और वही आज आपके शो पे है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब सिर्फ आप डॉक्टर भी, आप शब्दों के जादूगर भी हैं, आप बड़े कमाल के आप कलाकार हैं अंदर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बार फिर से आप सबका। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो दोस्तों, मीका पाजी ने इस लॉकडाउन के दौरान जो है वो अपने दो सिंगल सॉन्ग जो है वो निकाले हैं, क्वारंटीन लव और होटो पे बस। सो इन दोनों सिंगल्स में इनके साथ जो खूबसूरत मोहतरमा है, वक्त हो चुका है उनको यहाँ पे बुलाने का। सो प्लीज वेलकम शेफाली जरीवाला एंड चाहत खन्ना। मजा आ गया कपिल को, बहुत मजा आ गया। नहीं, मैं कहता हूँ ये तो लाइटें ना भी चलाओ, वैसे इतनी रोशनी हो रही है। वाह, बहुत स्वागत है चाहत और शेफाली आपका, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां शेफाली और चाहत के लिए। शेफाली चाहत, आप दोनों बड़ी ही खूबसूरत लग रही है, लग कह रही है आप। थैंक यू। मैं शेफाली, मुझे याद है मैंने जब शेफाली का पहला वीडियो देखा था, उस बात को पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, पर मतलब कोई फर्क नहीं लग रहा है। थैंक यू। तब आप बहुत छोटी भी थी। मैं छोटी थी, यस। बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके शो पे आके, यहाँ पे आपके साथ, मीका के साथ, चाहत के साथ। एनर्जी बहुत अच्छी है शो की। अर्चना जी बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू, इट्स वंडरफुल टू बी हियर। हम लोग एक्चुअली ना ऑडियंस को बड़ा मिस कर रहे थे, लग रहा था यार थोड़ी एनर्जी कम है, लेकिन आपको देख के जो एनर्जी आई है ना कसम से, आप ये देखो, ये लोग दो घंटे से बैठे हुए हैं, इतनी तालियां पहले नहीं आई। इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई, अच्छे अच्छे गाने हुए, मौत पड़ गई थी इनको, लेकिन आपको देख के देखो आप। थैंक यू गाइस। वो देखो जल्दी जल्दी में अपनी कुर्सी पे भी नहीं बैठा था, रास्ते में बैठ गया। आप दोनों को देख के तो नहीं लगता आपका बड़ा है वजन, मतलब कैसे करती हैं आप मेंटेन? जिम विम तो सारे बंद थे जी। मेरे जो हस्बैंड है वो बॉडी बिल्डर हैं, तो हमने खूब एक्सरसाइज किया लॉकडाउन में, और काम क्या था। चाहत आप भी वर्कआउट करती थी घर पे? नहीं, मैं बहुत लेजी हूँ एंड मैं वर्कआउट ज्यादा नहीं करती हूँ, मतलब जिम्स खुले होते तब भी नहीं करती हूँ। अच्छा। तो मतलब जब लोग हलवाई बने हुए थे अपने अपने घरों में जी। मैं डाइट कर रही थी एंड मैंने सोचा भाई जिम तो बंद है, अब कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने अपना खाना कम कर दिया, तो मैंने वन टाइम मील कर दिया था, तो अच्छा, उसकी वजह से आई थिंक आई मेंटेन्ड माय सेल्फ। आप दोनों को देख के लगता ही नहीं हार्ड मास की, ऐसा लगता है भगवान ने मैदे की लड़कियां बनाई उसके बाद में इसको ना ओवन में गरम करके बाहर के ये तैयार हैं दोनों। आप जाइए मुंबई जाइए और छा जाइए। वाह, बड़ा अच्छा लगता है देख के। और क्या रखा है दुनिया में? आपको पता है हमारी एक बार और भी मुलाकात हुई थी, हम लोग गोवा में मिले थे, एक ही शो के लिए हम लोग गए थे। हाँ, खूब बारिश भी पड़ रही थी। बारिश, वो आपको याद है? हाँ, क्योंकि इन्होंने अपनी छतरी शेयर नहीं की मेरे साथ, मतलब मैं खड़ी हूँ वहाँ पे, मैं अपनी छतरी का वेट कर रही हूँ, बग्गी आई, आप अपनी छतरी उठा के अपनी बग्गी में बैठ के निकले, मुझे तो बदतमीजी। एक्चुअली कपिल शर्माते बहुत है, अंदर से सब कुछ करते हैं, बाहर से कुछ नहीं करते। नहीं, नहीं, मुझे
ये जब छतरी की जरूरत थी ना, ये मन में ही आपको छतरी इन्हों दे भी दी थी, बग्गी में उठा के ले भी गए। अच्छा, मुझे नहीं याद था कि आपको याद है, मतलब कुछ तो मेरे में इंटरेस्टिंग होगा ये जो आपको अभी तक याद है। बहुत इंटरेस्टिंग है कपिल। थैंक्स बेब्स। बेब्स थैंक्स। चाहत, मैं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट झांक रहा था एक दिन, मैंने देखा इनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये किसी को फॉलो नहीं करती। तो आपको दुनिया में कोई पसंद ही नहीं है कि जो पसंद था उसकी शादी हो गई है? नो, एक्चुअली मैं किसी को फॉलो करती हूँ तो न्यूज बनती है, और फिर अनफॉलो करती हूँ तो डबल न्यूज बन जाती है। तो मैंने सोचा स्यापा खत्म ही करो, जीरो फॉलोअर्स। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे तो फोन पे बात हो जाती है, सो आई थॉट यार फालतू में न्यूज बनकर कंट्रोवर्सी में आकर मतलब नहीं है, तो इसके लिए आई लाइक सोशल मीडिया से कितना डरने लगे हैं ना सब लोग। एक्चुअली मैं पहले बहुत डरती थी, फिर मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है मिक्का ने, अच्छा, उन्होंने मुझे समझाया बेटा इसको एंजॉय करो। अर्चना, मैंने कहा भी एंजॉय कैसे करूं, कैसी कैसी गालियां पड़ रही हैं मुझे। मैंने पूछा कि भाई कैसा लग रहा है, कहती मैं तो परेशान हूँ मिक्का, मेरे को बताओ मैं क्या करूं, मैंने कैसे क्या किया है कि लोग ऐसे मुझे कहते हैं। तो मैं कहा जब तू इतना अच्छा करती तब भी तेरे को बुरा बोलना है, तो ये भूल जाए, संसार में आए हो तो हर आदमी को तुम खुश नहीं कर सकते। अब कट टू दो महीने बाद मैं फिर इसको फोन करा, मैं कह रहा हूँ इसको ब्लॉक क्यों नहीं करती, कहती जब तो मुझे 500 गाले नहीं पड़ती, मुझे नींद नहीं आती, नींद ही नहीं आती, अब मैं इसको इतना एंजॉय करती हूं। ये है बस, डरना नहीं, जिसको दिल करता है कर लो मुझे फॉलो इंस्टा पे। I'll follow you. जैसे लड़कियों को तीखा पसंद होता है, आपको तीखा पसंद है कि मिक्का ही पसंद है? गोल गप्पे वगैरह, क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आप इनके किचन में पानी पूरी बना रही थी। नहीं नहीं नहीं, मैं इनके किचन में पानी पूरी नहीं बना रही थी, वो तो मैंने ना वीडियो बनाया, ये जो हमारा क्वारंटाइन लव उसका नाम रखा, जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे ही हमने वीडियो प्लान करा ये लॉकडाउन शुरू हो गया, अब लॉकडाउन में कुछ नहीं मिल रहा, तो मैंने कपिल भाजी को रिक्वेस्ट करी कि इनके पास एक बहुत टैलेंटेड लड़का है जिसको कभी किसी ने ब्रेक नहीं दिया, इवन इन्होंने ब्रेक नहीं दिया उसको, उसका नाम है मणिकरण, वहां पे बैठा है। ओ मणि, तो मैं कहा भाई आ गया तेरे टाइम, क्योंकि आज कुछ भी नहीं हमारे पास, और कुछ भी नहीं है जो आसपास रहता है ना, और बाहर से लोग आने देते हैं। हां, मैंने को बोला कि यार देखो कंडीशन है, जो भी तुम्हें मेकअप आता है तुमने खुद करना है, अच्छा, और जो मेरे पास जैसा मेकअप मैं कर लूंगा, तो हमारा गाना ये शूट हो जाएगा। हमने गिन के 3 फोटोग्राफ खींची थी बस, तो हमने एक फोटो डाली लेकिन हमने लिखा क्वारंटाइन लव, जो कि हमारे गाने का नाम था। अच्छा, इतनी न्यूज बन गई। अच्छा, ऊपर से मुझे भाभी भी फोन करें, गिन्नी भाभी की दस्ते दो की होया, मैं कह सच्ची जी कुछ नहीं होया, कोई तो गल होगी, सारे कह रहे हैं ब्याह हो गया ब्याह हो गया, मैं कह यार ब्याह हो गया, मन्नू नहीं पता लग रहा मेरा ब्याह हो गया। और ऊपर से इन्होंने गोलगप्पे बनाए अपने घर पे, तो इसने घर मेरे घर पे गोलगप्पे भेजे, मैंने खा के कहा थैंक यू, गोलगप्पे की फोटो डाल दी, लोगों को लगा मेरे घर पे गोलगप्पे बना रही। इनफैक्ट लोगों ने तो ये भी बोल दिया हम लोग साथ में लिव इन रिलेशनशिप रह रहे हैं। आई वाज लाइक ये कब हुआ? Exactly. और मैंने जब वो न्यूज पढ़ी मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कहा यार पाजी ने एंगेजमेंट कर ली, बताया नहीं। oh फिर जब दूसरा वीडियो शूट हुआ ना, जब शेफाली आई, मैं कहा अच्छा ये तो क्वारंटाइन में काम कर रहे हैं बंदा, तो अच्छी बात है पाजी, मतलब मौके का आप सही यूटिलाइज करो टाइम का, और बड़े खूबसूरत गाने बनाए दोनों, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हाय हाय, हाय फॉक्स, हाय बेबी, मैं हूँ मिट्टी माउस, मिट्टी माउस, मिट्टी से जुड़ा हूँ इसलिए मिट्टी माउस, मिट्टी माउस, बैठी बैठी, सिट, ओ वाव फ्रूट्स, ओ ये सस्ता वाला है, ओ मेरा स्क्रबर यहाँ कहाँ से आ गया? स्क्रबर, भाई साहब जरा इसको पैक कर देना। मिका भाजी जी, मिका भाजी, नहीं 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 नहीं, चीज 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 है नीचे। आपको क्या लगा मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ? कभी भी नहीं, मैं चुका हूँ कृष्णा नहीं जो किसी के भी पैरों में गिर जाऊंगा। क्या हुआ? आटा लगा। काटा लगा आपका था ना, यू नो मेरी बड़ी
चाहत थी कि मैं, अरे चाहत चाहत खाना खाया अभी अभी खा कर आई। अर्चना जी कैसे? आप सोच रही होंगी इतना छोटा सा चूहा यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हर चूहा परमित नहीं होता। इतना अच्छा जोक मारा। स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए सिद्धू जी आएंगे क्या यहाँ पे? अर्चना मैं कब तक बैठ के खाते रहोगे? कभी तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। ओए मिकी माउस। यस टेल मी। तू आया कहाँ से? मैं लॉकडाउन की औलाद हूँ। मतलब? लॉकडाउन में सब आदमी लोग बंदे थे। हाँ। हम जानवर लोग खुले थे। हाँ। मेरे माँ बाप थोड़े ज्यादा खुल गए। मैं आ गई। अच्छा वाला ऊपर बैठकर मैं चीज कुतर रहा था। हाँ। इसके इंटरव्यू ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। गुस्सा आ रहा है मुझे। चूहे दानी की कसम, तेरा सारा ब्लैक मनी कुतर जाऊंगा मैं। और आपका तो एग्रीमेंट कुतरूंगा। अच्छा क्यों? क्योंकि किसी और की कुर्सी कुतर के आप यहाँ पे बैठी हैं। मिटी माउस भड़को मत, एकदम मिका जी से मिलो, आओ। मिका जी के लिए जोरदार तालियां। देखो ना अर्चना जी, मिका जी यहाँ पे आए हैं। मौसम कितना चुहाना हो गया है। चुहाना नहीं, सुहाना होता है। हमारे इधर चुहाना ही होता है। मिका जी, जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ऐसा बोल के इन्होंने आपको यहाँ बुलाया है ना। चलो कोई बात नहीं, आप तो फिर भी सेलिब्रिटी हो। पिछले हफ्ते इसने कश्मीरा शाह को यहाँ बिठा दिया था। और ऊपर से कश्मीरा को क्या बोलता है कि मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ। 14 साल से मैं उसके घर में रह रहा हूँ, मैंने आज तक उसकी एक भी फिल्म नहीं देखी। ये कहाँ से उसका फैन हो गया? वैसे मीका जी एक बात बताइए, आप इसके घर के ऊपर रहते हैं ना? हाँ। मैंने बोला था ना अर्चना जी, अपने दोस्तों को सर पे चढ़ा के रखता है। इसने ये बैंड वालों को भी सर पे चढ़ा के रखा है। अच्छा। वरना कहीं ये बैंड बजा के पैसे कमा रहे होते। तो यहाँ पे भी तो पैसे कमा रहे हैं। पैसे ही कमा रहे, बैंड कहाँ बजा रहे हैं? मैंने सही बोला ना अर्चना ताई? ताई? ओए, ये तुम्हारी ताई कहाँ से होगी? अच्छा, बिल्ली हमारी मौसी हो सकती है, ये हमारी ताई की नहीं हो सकती। इनका बिल्ली से क्या लेना देना? इनका तो गेंडों से भी लेना देना नहीं है। लेकिन उनसे हर हफ्ते हफ्ता लेती है ये। अरे कप्पू, मैं तेरे को क्या बताऊं? तेरे को मालूम है, एक दिन ये गधे को समझा रही थी। क्या बोले, तूने मेरी सलाह मानी होती ना तो एक दिन तू घोड़ा होता। अरे गधा कैसे घोड़ा हो सकता है अर्चना? मैं हाँ, एक बार के लिए घोड़ा गधा हो सकता है। कैसे? मतलब घोड़ा अगर कोई गलती कर दे तो हम उसको बोलेंगे तू गधा है क्या? हाँ। लेकिन गधा कितना भी अच्छा काम कर ले उसको कोई घोड़ा नहीं बोलता। तू जा रहा है कि मैं बिल्ली को बुलाऊं फिर यहाँ? मेरे से तमीज से बात करना, मैं कोई ऐसा छोटा मोटा चूहा नहीं हूँ। चूहू चौपाटी पे मेरा बहुत बड़ा बंगला है, समझा? हाँ, और लड़कियों की खूबसूरती के मामले में मैं भी अंदर से मीका हूँ। मतलब? मतलब मेरे भी सावन में आग लगती रहती है। मीका जी, जी जी, आपको लड़कियों का मुखड़ा पसंद है, मुझे पनीर का टुकड़ा पसंद है। ये तो कोई बात नहीं बनी। अरे पनीर का नाम सुन के वहाँ ग्लास बन गया, तू बात की बात कर। अर्चना जी, जैसे मीका पाजी लोगों के दिल में रहते हैं, मैं बिल में रहता हूँ। और मैंने अपने बिल के सामने गेट्स भी लगाया है। अच्छा। ओवरऑल बिल गेट्स। हाउ वाज द जोक? वेरी नाइस। मोटे को बुलाना बंद कर दे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये जो जोक्स होते हैं ना, हम बिल में ऐसे जोक्स कुतर देते हैं और वो कुतरिया यहाँ आके बोल देता है। तुझे बड़ा पता है यहाँ के बारे में? या बिकॉज लाइक यू आई एम ऑल्सो होस्ट। कैसे मतलब? अरे क्या होस्टिंग होती है, मस्त ऑडियंस का तालियां बजाती है। कौन सी ऑडियंस? कॉकरोच।
ऑडियंस में हम कॉकरोच बिठाते हैं और जज मैंने बिल्ली रखी हुई है। जज बिल्ली कैसे हो सकती है? अच्छा तेरा जज बिल्ला हो सकता है, मेरी बिल्ली नहीं। लेकिन मुझे एक बड़ा दुख लगा, एक एपिसोड का नुकसान हुआ मेरा। क्या कैसे? पिछले सैटरडे को मेरी शूटिंग कैंसिल हो गई। क्यों? फिल्म सिटी में चीता आ गया था, मैं भाग गया। और बता यार अपने बारे में, कहाँ रहता है तू? रहता तो मैं बिल में हूँ। हाँ। लेकिन खाना खाने के लिए मिक्का जी के घर पे जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सरसों का साग और मिक्का की रोटी बहुत पसंद है। मुझे सच्ची में इनकी एक बात पसंद है लेकिन मैं बता नहीं सकता। कौन सी बात? गंदी बात, गंदी 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 गंदी। अच्छा मुझे आपका वो गाना भी बहुत अच्छा लगता है, वो पंजाबी दी बैटरी क्या रहती है? बैटरी चार्ज रहती है। हाँ क्योंकि अभी शादी नहीं हुई ना, तो बैटरी तो चार्ज रहेगी। जिस दिन शादी हो गई ना अर्चना जी, फिर तो वो पतले पिन वाला चार्जर होता है ना, वो ढूंढते मिलेंगे फिर। मिका भाई जी, आप रैप सिंगर है, रैप भी गाते हैं। You know, मैं रैट सिंगर बनना चाहता हूँ। रैट सिंगर, प्लीज हेल्प मी। मैं बहुत गाने भी लिखता हूँ, लॉकडाउन में बहुत गाने लिखे मैंने। अच्छा, कुतुर 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 ते तकातक कुतुर कुतुर कुतुर। ये क्या कुतुर कुतुर लगा रखा है? अच्छा तू यहाँ पे सारा दिन पुटुर पुटुर करता रहता है। इन्होंने चार महीने लॉकडाउन में गुटुर गुटुर किया, मैंने पुटुर पुटुर किया, तेरे को प्रॉब्लम हो रही है। मिका जी मुझे चांस दो, मैं आई एम वेरी नाइस, मैं शाहरुख खान की भी एक्टिंग करता हूँ। करके देखो। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। ये तो तुमने नॉर्मल बोला है। हाँ तो वो भी तो नॉर्मल बोलते हैं, वो कौन सा चूहे की तरह बोलते हैं। उनकी तरह एक्टिंग करके दिखाना। उनकी तरह अगर मुझे एक्टिंग आती तो तेरे सामने चूहा बन के थोड़ी बैठा होता। मैं आपके ऑफिस आऊंगा स्ट्रगल करने के लिए। मुझे अभी बांद्रा जाना है, दो भाइयों की वसीयत कुतरने के लिए। मैं बाद में आता हूँ, बाय। अर्चना जी कैसी लगी मेरी एंट्री? बहुत बढ़िया। अच्छी लगी? माइंड ब्लोइंग। अरे चूहों को तो जज करना बंद कर दो। एक बार जोरदार तालियां मिका बाजी शकाली और चाहत खन्ना के लिए। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।